यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बेटा तो आज हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, तो अभी आपको दिखाते हैं हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैं निकल चुका हूँ घर पे, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा लेकिन जब पहुँच जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बाय। तो चलिए खत्म करते हैं टेक्निकल गुरु जी का नाम लेके। आज मौसम बड़ा ही सुहाना है। तो ये हम एंटर कर रहे हैं प्रधानमंत्री म्यूजियम। ये पार्किंग है। गाइस यहाँ पार्किंग बहुत बड़ी है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इधर पार्किंग के चार्जेस फ्री है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। तो चलिए अब हम लेते हैं अपनी टिकट्स। गाइस आपको यहाँ फ्लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ये है यहाँ के टिकट प्राइसेस। गाइस यहाँ पर एडल्ट ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो ना लीजिए। गाइस यहाँ ये एक साइलेंट म्यूजियम है, तो आपको यहाँ एक QR कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे आपको यहाँ सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएंगी। हमारा बिल है और हमने चार एडवांस कराए हैं इसमें, तो हमारा चारों का टोटल बिल 1350 रुपये हुआ है, और उसके साथ साथ ये हमें विजिटर कार्ड मिला है। इसमें है, ये है हमारा विजिटर वन, विजिटर गाइड बिल्डिंग वन का, और ये विजिटर गाइड बिल्डिंग, हम ये सब आज कवर करने वाले हैं। आइए फिर आपको लेके चलते हैं। गाइस यहाँ पे मुझे पीकॉक दिखा, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ ये पीकॉक। ये है पुरानी बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 1, तो अब हम यहाँ चलते हैं। तो ये है हमारे बच्चों के प्यारे चाचा नहल का घर। तो चलिए आज हम चाचा नहल के घर का होम टूर लेते हैं। गाइस आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं चाचा नेहरू का बेडरूम, उनका स्टडी रूम, उनका गेस्ट रूम और इंदिरा गांधी का बेडरूम देखूंगा। कितना पुराना है लेकिन कितना मेंटेन है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। ये म्यूजियम 3 मूर्ति मार्ग के पास है। गाइस कब जब तक मैं एंटर करता हूँ आप इधर पूरे गार्डन का व्यू देखिए। ये हमारा टिकट चेक पॉइंट है। गाइस अगर आप अपने ईयरफोन्स लाना भूल गए हैं तो आपको यहाँ से ईयरफोन्स मिल जाएंगे अपना ID कार्ड सबमिट करके। ये इस बिल्डिंग का पूरा लेआउट है। Prime Minister's 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 Prime Minister's
योर टूर एंड स्टार्ट योर टूर विद द सेकंड प्राइम मिनिस्टर. आपके पास जो गाइडेड मैप है जस्ट फॉलो दिस, है ना, फॉलो दिस अलॉन्ग. दिस इज फॉर द फर्स्ट वन एंड दिस इज फॉर द सेकंड. ठीक है, इफ यू हैव टेकन एनी एडवांस टू योर टिकट तो फिर वहाँ जाके जस्ट फाइंड अनुभूति सेक्शन इन लोअर ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे यू कैन एक्सेप्ट दीज एडवांस टू एंड कंप्लीट, गेट इट कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, स्टार्ट. थैंक यू. हमारे एंशिएंट इंडिया के कुछ वीडियोस हैं. अब वक्त है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने का, जो कि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. बटन पे टच करके आपको हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज पता चल जाएंगे. गाइस आइए साथ में कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. रूम में हमें पता चलेगा हाउ इंडिया बिकेम रिपब्लिक. ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कंप्लीट बुक. आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे. यहाँ हमें जवाहरलाल नेहरू की अर्ली लाइफ के बारे में पता चलेगा. ये है हमारी चाचा नेहरू की बिलोंगिंग्स. इस रूम में आपको पार्टीशन फॉर 1947 के सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगी. पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया एक ही था, उसमें पाकिस्तान नाम को कोई नहीं हुआ, सिर्फ इंडिया को. 47 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसको डिवाइड किया, एक नया कंट्री बना पाकिस्तान. इंडिया इंडिया ही रहा लेकिन एक नया कंट्री बन गया पाकिस्तान. आइए अब आपको मिलाता हूँ चाचा नेहरू की फैमिली से. गाइस ये है चाचा नेहरू का बेडरूम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. ये है चाचा नेहरू का स्टडी रूम, है ना बड़ा ब्यूटीफुल. यहाँ पे पुराने फोन लैंप्स बहुत कुछ है. गाइस ये चाचा नेहरू का स्टडी रूम है, लाइब्रेरी है, ये स्कूल है, इतनी सारी बुक्स. गाइस ये गैलरी है बेडरूम से लेकर स्टडी रूम एंड गेस्ट रूम का. गाइस ये है चाचा नेहरू का लिविंग रूम, इसे हम गेस्ट रूम भी कह सकते हैं. Thank you.
मेरे क्वेश्चंस तो यहाँ खत्म ही नहीं हो रहे थे। क्योंकि इंडिया ने ही पाकिस्तान को जगह दी थी पाकिस्तान बनने के लिए, इंडिया ने ही उसको हथियार दिए थे। इंडिया ने जब उस टाइम जब इंडिया आज़ाद हुआ था, जब पाकिस्तान एक अलग देश बन रहा था, तो इंडिया ने उसको 75 करोड़ रुपए दिए थे, 75 करोड़ रुपीज दिए थे उस टाइम पाकिस्तान ने उनकी अपनी जीविका चलाने के लिए। गाइस आपको यहाँ पर फर्स्ट जनरल इलेक्शन से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी। इस रूम में चाचा नैन की लास्ट जर्नी दिखाई गई है। ये सारे गिफ्ट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। अब जो आप गिफ्ट्स देखने जा रहे हैं, ये गिफ्ट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को मिले हैं, और ये गिफ्ट्स हमारे प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ये रूम है इंदिरा गांधी जी का, और आप जानते हैं इंदिरा गांधी कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बेटी। और आपको पता है इंदिरा गांधी जी ही हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी का मायका, इंदिरा गांधी का मायका है। ये है कुछ और गिफ्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को मिले हैं, तो है ना कुछ प्राउड वाली बात। अरे गाइस मैं आपको एक बात बताना तो भूले, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है। गाइस यहाँ तो गिफ्ट्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतने सारे गिफ्ट्स थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में। हमने बिल्डिंग 1 कवर कर ली है, अब हम बिल्डिंग 2 के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। बिल्डिंग 2 अभी नई बनी है, और इसका इनॉग्रेशन हमारे अभी जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कैसा है। ये है न्यू बिल्डिंग की एंट्री। गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस बिल्डिंग की एंट्री देख के इंप्रेस हो जाओगे। गाइस आप कमेंट करके बताना कि आपको इसकी एंट्री कैसी लग रही है। ये है यहाँ की हेल्प डेस्क। गाइस आपको इस गैलरी में अभी तक के सारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की पिक्चर दिखेंगी। ये आपकी वॉल ऑफ फेम। अब हम जा रहे हैं टाइम मशीन के अंदर। इस टाइम मशीन के अंदर इंडियन न्यूक्लियर जर्नी के बारे में बताया गया है।
जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो क्लिक कराने। ये सारी एक्टिविटीज की टिकट्स हमने पहले ले ली थी और वीडियो के स्टार्टिंग में जो एडवांस थी वो इन्हीं टिकट्स के लिए थी। मेरे पापा अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वॉक कर रहे हैं। और मैंने अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ऑटोग्राफ लिया है। और ये है मेरे पापा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऑटोग्राफ। और गाइस ये है चेन ऑफ यूनिटी। गाइस अभी तो मैं क्विज कर रहा हूँ और मेरी जनरल नॉलेज चेक कर रहा हूँ। गाइस मैं अभी एक मैसेज लिख रहा हूँ जो बोर्ड पे डिस्प्ले होगा। ये मेरा मैसेज बोर्ड पे डिस्प्ले हो गया। गाइस अभी हम फ्यूचर देखने जा रहे हैं और बताओ हम वो कैसे देखेंगे? फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। गाइस आप टैलेंट देखना सकते हो, ये देखिए टैलेंट लाल बहादुर शास्त्री। ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा है? जय जवान जय किसान। देखिए हम सेकंड बिल्डिंग में आए हैं और ये बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पे अब ये जो बनिया बाप बेटा, बाप तो ये खड़ा है, बेटा जो है वो तोप चलाने की कोशिश कर रहा है। चलाओ तोप चलाओ। यहाँ मैंने पुराने जमाने का टीवी और रेडियो देखा। कंप्यूटर्स हैं जो बहुत पहले यूज होते थे। गाइस मैंने उधर पीसीओ भी देखा। अगर आप पीसीओ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। गाइस मुझे इधर बहुत मजा आया और मैंने बहुत कुछ सीखा, तो आप बताइएगा आपने क्या सीखा और आपको कितना मजा आया। गाइस इनके नाम आप बताइए। चलिए मैं आपको हिंट्स देता हूँ, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। तो हमने अभी कंप्लीट किया है, वो सामने है बिल्डिंग 1 और ये सामने है बिल्डिंग 2। तो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है
यहाँ पे इनका कैफ़े है, अगर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पे आप आके खा के कुछ पेट पूजा कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ नहीं खा रहे, हम जाएंगे कहीं बाहर, और बाहर जाने से पहले ये मैंने अपना आईडी सबमिट करके ये मैंने बोली एयरफोन्स लिए थे। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप अपने एयरफोन्स ला सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने एयरफोन्स नहीं ला रहे हो तो आपको अपनी आईडी सबमिट करनी पड़ेगी, और आपको ये एयरफोन्स फिर आपको ये अलॉट हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको सबमिट करूँगा, अपनी आईडी दूँगा। तो ये था हमारा आज का दिन का पूरा टूर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। ये है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कार। बाय फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।